ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन हारती है वो किसी ना किसी तरीके से उस राज्य सरकार की ताकत को खत्म करने की कोशिश करती है, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त से हो, चाहे ईडी सीबीआई छोड़ने से हो, नहीं तो गवर्नर के ऑफिस का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करके हो, या ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाके हो जो इस देश के डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर देता है। अगर केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की एक संविधान द्वारा दी गई ताकत को वापस लेने की कोशिश कर सकती है, तो दिल्ली तो शुरुआत है, इसके बाद ये किसी भी राज्य में हो सकता है। और हम ये देख भी रहे हैं, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किया, वही प्रयोग वो फुल स्टेट्स में गवर्नर्स के साथ भी कर रहे हैं। जहां जहां पर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, वहां पे गवर्नर्स को इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों की ताकत छीनने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो देश की हर नॉन बीजेपी पावर पार्टी को, हर रीजनल पार्टी को समझना होगा कि ये प्रहार आम आदमी पार्टी पे नहीं है, ये प्रहार दिल्ली सरकार पे नहीं है, ये प्रहार लोकतंत्र पे है, ये प्रहार इस देश के संघीय ढांचे पर है, और ये प्रहार देश से भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी को खत्म करने का एक पहला कदम है, जिसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा, वरना देश में संविधान नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।